अजंता के डिस्टो वॉल क्लॉक का टाइम कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में कंफर्म करने जा रहा हूं, तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखना। ये वॉल क्लॉक की बैक साइड का मॉड्यूल है। आप यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे लिखा है नॉर्मल टाइम अलार्म स्नूज टाइमर काउंटडाउन। ये बटन बना हुआ है, आप इस बटन को मूव करेंगे टाइम फंक्शन तक। टाइम फंक्शन पर लेके जाने के बाद ये ऐसे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा जिस चीज़ को आप सेट करना चाहते हैं। इन दो बटन की मदद से अप और डाउन, ये दो बटन की मदद से आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको अभी सेट करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे को 11 AM करना है, यहाँ से मैंने 11 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर आपको शिफ्ट करना है सेकंड पे या मिनट पे, तो आप ये मोड बटन है, इस मोड बटन को एक बार प्रेस कर दें। देख सकते हैं आप, मैं इसको 00 सेलेक्ट कर दूंगा ताकि 11 AM हो जाए। ये हो गया। इसके बाद फिर मोड बटन प्रेस करेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मंथ, डेट, आई डेट है 25th। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप इसे नॉर्मल मोड पे वापस ले जाइए। तो ये देखिए, नॉर्मल मोड सिलेक्ट हो चुका है और ये आपको नॉर्मल टाइम डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है। अगली वीडियोस में मैं आपको इसकी अलार्म की सेटिंग कैसे करनी, काउंटडाउन सेटिंग कैसे करनी, वो सब मैं बताऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।